करेंगे कि शेयर बाजार में कहां कहां पैसा लगा सकते हैं। शेयर, शेयर बाजार को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहां इक्विटी बिकती है। शेयर बाजार में दो बाजार फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, आईपीओ लाना होता है। क्या लाना पड़ता है? आईपीओ। तो पहली बार शेयर लाना होता है तो उसे क्या कहते हैं? आईपीओ। सबसे पहले कंपनी शुरुआत करती है छोटे से प्रोपराइटर से, उसके बाद और बड़ी हो जाती है तो प्राइवेट लिमिटेड, और बड़ी हो जाती है तो लिमिटेड। लिमिटेड होने के बाद कंपनी बहुत ग्रोथ करती है ताकि पब्लिक के बीच में क्या कर सके, फेथ उत्पन्न कर सके, पब्लिक का भरोसा जीत सके। तब ना पब्लिक धड़ाधड़ क्या लाएगी, आईपीओ में पैसा लगाएगी। आईपीओ में क्या लगाएगी? पैसा लगाएगी। कंपनी क्या करेगी? पैसा लगाएगी। तो डायरेक्ट शेयर ला देगा कोई? क्या करेगा? पहले प्रोपराइटर, उसके बाद प्राइवेटली, उसके बाद फेथ ब्रांड बनाएगा, उसके बाद क्या लाएगा? आईपीओ। जोमेटो डायरेक्ट आईपीओ लाया था, धीरे 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 करके उसके बाद क्या लाया था? आईपीओ लाया था। तुरंत आईपीओ लाएगा कोई? कभी नहीं लाएगा। पहले उसको पब्लिक के पास क्या बनाना पड़ेगा? अब आईपीओ जब लाएंगे तो आपको किसी एक में जाना पड़ेगा, या तो नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चले जाइए या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी 5000 से ज्यादा कंपनी है। कितनी कंपनी है? 5000 से ज्यादा कंपनी है। यही 5000 लिख देते हैं, समझ जाएंगे कितनी कंपनियां हैं, 5000 से ज्यादा कंपनी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा कंपनी है, 1500 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। किसमें? नेशनल स्टॉक। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने से ज्यादा? 5000 से ज्यादा। तो ज्यादा कंपनियां। अब कोई कंपनी अगर लिस्टेड होना चाहती है, किसमें? शेयर बाजार में। शेयर बाजार में क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहती है तो कितने जगह लिस्ट होगी? दो। या तो जाएगी बॉम्बे स्टॉक या जाएगी नेशनल स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कंपनी जैसे उसमें लिस्टेड हो गई तो पब्लिक के सामने कंपनी आएगी, अपना प्रचार न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पे, बिजनेस चैनल पर, अलग अलग जगह पे देगी कि हमारी ये कंपनी है, हम क्या लाना चाहते हैं? आईपीओ लाना चाहते हैं। जैसे जोमेटो ने कहा था कि हम क्या लाना चाहते हैं? आईपीओ लाना चाहते हैं। लोगों ने भर भर के पैसा दिया जोमेटो में, शेयर उसका बहुत ज़्यादा चला गया, आगे वैल्यू चला गया। तो जो कंपनी आगे बढ़ रही होती है उसका आदमी क्या करता है? जल्दी जल्दी क्या खरीदता है? शेयर खरीदता है। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहेगा, प्राइस बढ़ जाए, प्राइस तुरंत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आईपीओ लाएंगे। अब वो किसी ना किसी एक में जाएगा, किस में जाएंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी। बीएससी के पास कितने पैसे हैं? कितनी कंपनियां हैं? 5000। और एनएससी के पास? अरे कोनो कंपनी, छोट मोट कंपनी मत सोचिएगा, 100 करोड़ से नीचे कंपनी को सब बैठने भी नहीं देता, उठा के भगा देगा, निकल आएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पे 100 करोड़ की कंपनी लोग नीचे बैठ, मतलब जैसे ये आईपीओ वाला टाइप का ऐसा, मतलब बैठने नहीं देगा। एलआईसी का आईपीओ, हाँ एलआईसी 100 करोड़ की कंपनी है, बाप रे बाप, उसका तो एक साल का टर्नओवर देखेंगे तो 1,00,000 करोड़। मतलब वो उन लोग का जो प्रीमियम प्लान रहता है देने का, एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, गांव-गांव में उसके एजेंट है सब। कंपनी के तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कंपनी है। अब वो क्या होगी? लिस्टेड होगी इसमें। अब एक बात बताइए, अगर हम ही को शेयर खरीदना है तो हम 5000 कंपनी देखेंगे कि किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है? 5000 कंपनी देखते देखते तो हमारे हालत खराब हो जाएगी। 5000 कंपनी है ना, इसमें 15। हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन? दो। या तो जाएंगे हम बीएससी या तो जाएंगे एनएससी। बीएससी में कितनी कंपनी? 5000। एनएससी में, यानी टोटल कंपनियां कितनी दिख रही हैं? 7500, 6500, यानी लगभग 7000 कंपनी। कितनी कंपनी? 7। अब हमको किसी कंपनी में शेयर खरीदना है तो शेयर हम डायरेक्ट इक्विटी खरीदते हैं कि शेयर? शेयर। शेयर के हिसाब से हम क्या निकालते हैं? इक्विटी। शेयर के हिसाब से कि डायरेक्ट इक्विटी मिलता है? क्या मिलता है? शेयर। शेयर के हिसाब से अब हम आंख बंद करके किसी 7000 कंपनी में शेयर लगा देंगे। हमको उस कंपनी का रिकॉर्ड पता होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है। पता चला आप मोबाइल कंपनी में शेयर खरीदने गए, खरीदने के बाद पता चला तेल बनाने वाली कंपनी पावरोटी बनाने का कंपनी ले लिया, हम गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। अब आप ही गए, अभी अभी कोल्ड ड्रिंक का शेयर है, बहुत हाई जाएगा, नहीं बढ़ेगा। और ठंडी में जाके कोल्ड ड्रिंक का शेयर ले लिया, पड़ल रहेगा, क्योंकि ठंडी के दिन में कोल्ड ड्रिंक बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा।
हाँ पंखा एसी। अभी क्या होगा देखिए, कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट किससे होगा? डिविडेंड से। शेयर तो आपका पड़ा का पड़ा रहेगा, शेयर क्या रहेगा? पड़ा रहेगा। और लेकिन डिविडेंड मिलेगा? अभी कोई अमूल कंपनी का शेयर लेता है तो उसे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? लस्सी आइसक्रीम दुका दुका बना के बेचते रहता है समय में, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा शेयर। तो आपको कितने जगह जाना पड़ेगा? बीएससी और एनएससी में। लेकिन पता कैसे चलेगा? ससुरा 7000 कंपनी है। अब देखिए कैसे, हम लोग का दो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, डॉक्टर दो को टेस्ट करता है, पूरा जान जाता है कि हमारे शरीर में क्या है, जान जाता है कि नहीं जान जाता? तो उसी तरह से किसी देश का, हमारे देश के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की तरह कौन सा है? बीएससी और एनएससी। ब्लड में 75 को चीज रहता है, लेकिन दो ये तीन को चीज वो देखता है, प्लेटलेट कितना है, आरबीसी कितना है। हालांकि उससे हर चीज पता कर लेता है, सीरम से लेके एंटीबॉडी से लेके बहुत सारी चीजों को पता कर लेता है, लेकिन डॉक्टर आपका लक्षण देख के कुछ खास जांच को लिखता है। लिखता है कि नहीं लिखता है? अब किसी को सांस नहीं फूल रहा है, एकदम तगड़ा है, मार करने के लिए रेडी है जहां तहां, तो क्या उसका हीमोग्लोबिन चेक करने की जरूरत है? उससे तुरंत मार कर रहा है वहां पर। तो यहां पे दिक्कत ये नहीं है, हमारे पूरे ब्लड में से कुछ खास चीजों का ही पता किया जाता है। तो जो बीएससी में कितनी कंपनियां, 5000, इस 5000 में से केवल 30 कंपनियों का सेहत चेक किया जाता है, और इसमें कितनी है? 1500। इसमें से 50 कंपनियों का सरकार क्या बताती है? आंकड़ा बताती है प्रतिदिन। क्या 5000 का बताती है कि केवल 30 को का? इसी के अंदाजा से आप क्या लगा सकते हैं, 5। और ये अब 30 को का क्यों? जैसे इस 5000 में से कई गो बैंक है, तो सारे बैंक का बताने से अच्छा है एगो कोनो एगो बैंक का बता दिया, क्योंकि बैंक गिरता है तो सोचो सब साथ ही गिरता है। देखते हैं मंदी आता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज में मंदी आ जाता है। अब जिसमें इसमें कोई पेंट बनाने की कंपनी है तो बर्जर एशियन दुनिया भर का रहता है, तो एगो देखा देगा किसका? एशियन पेंट का। तो जो 5000 में सबसे बड़ी 30 कंपनी रहेगी ना, सबसे बड़ी 30 कंपनी, उसको ये क्या रख देगा फ्रंट पे कि देख भैया इसका वैल्यू बढ़ा है, मतलब 5000 का भी वैल्यू बढ़ेगा। और इस 1500 में से कितना को आगे रखेगा? 50। अगर ये 50 को का वैल्यू गिरा ही तो ही, तो भाई जब बड़बड़ हाथी डूबल जाए आ गधा पूछे कितना पानी, ये 5000 कंपनियों में जो सबसे बेस्ट एंड द बेस्ट कंपनी थी 30, सोचिए 5000 में से 30 को सेलेक्ट किया है। छोट मोट कंपनी नहीं है ये, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है, और पब्लिक लिमिटेड में भी फेमस पब्लिक लिमिटेड है, तब जाके क्या लाई है? आईपीओ। और कहां गई है? शेयर बाजार। और उस 5000 में से कितना को छाटा है? 30 को। इस 30 के हिसाब से आप 5000 का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये 300 आगे बढ़ रहा है तो ये 5000 भी आगे, ये 300 गिरेगा तो ये भी गिरे। लेकिन जरूरी नहीं कि 5000 का 5000 सब कंप्लीट गिर जाए, लेकिन अगर ये 30 गिर रहा है तो इसमें मेजोरिटी का शेयर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। जैसे ये 50 को बढ़ेगा तो इसमें से मेजोरिटी का बढ़ेगा, लेकिन किसी किसी का क्या कर सकते हैं? घट भी सकता है। लेकिन आप बताइए किसी भी देश या अखबार में ये 5000 का ग्रोथ रेट दिखाएगा तो अखबार बचेगा जगह? भर जाएगा ससुरा पूरा अखबार, 5000 कंपनी का नाम निकलेगा। और इसमें से 1500 का भी नहीं दिखा सकता, तो कितना का दिखाता? इसी 30 को कहा जाता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। क्या कहेंगे? सेंसेक्स। इसे क्या कहेंगे? सेंस। आ इस 50 को कहते हैं निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। अगर निफ्टी जा रहा है ऊपर तो कितने कंपनियों को दिखा रहा है वो? लेकिन निफ्टी का कैलकुलेशन कितने पे होता है? 50। निफ्टी का कैलकुलेशन 50। आ इसी आधार पे आप कितने का लगा सकते हैं? सेंसेक्स का कितने पे होता है? कौन सी हो गया जिसको जाओ चले जाओगे? सेंसेक्स का निर्धारण कितने कंपनियों के आधार पर? कितने पे? 30। और इस 30 के आधार पर कितने कंपनियों? कितने का? 5000। अभी सेंसेक्स चल रहा है 55000 अंक पर। कितने हजार अंक पर? 55000 अंक पर। और निफ्टी चल रहा है 16000 अंक पर। कितने अंक पर? 16000 अंक पर। अभी का नेट चेक करेंगे लो, रुकिए हम अभी का करंट बता ही देते हैं अभी एट ए टाइम। 55107। अरे लिखिएगा तो गूगला बता देगा। 55107 गूगला। निफ्टी चल रहा है 16416।
निफ्टी कितना चल रहा है 16,416, तो हम क्या लिख दिए हैं 16,000, अब 55,107 है तो कितना लिख दिए 55,000, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 16,000 क्या ये 1500 कंपनी का वैल्यू है कि 50 का? और ये जो 55,000 है ये 30 का है कि किसका है? अब आप बताइए, इसे जुड़ा 50 को मिलके 16,000 और 30 को मिलके 55, तो ये कंपनी ज्यादा है और वो कंपनी कम है, लेकिन ये मीडियम लेवल की कंपनी है और भयानक है। उसमें HDFC बैंक है, उसमें आइसर ट्रैक्टर है, उसमें SBI है, उसमें आपका एशियन पेंट है। आज हर घर आप कहीं गांव में चलिए, कोनो ना कोनो घर बन रहा होगा, और घर में सबसे ज्यादा अगर संभावना किसी पेंट का है तो एशियन पेंट। समझ रहे हैं एशियन पेंट का कितना बिक्री है? ऐसा चीज है जिसमें किसी का ध्यान नहीं जाता है। दीपावली आएगा तो अब ये से एशियन पेंट तैयारी में है कि सब लोग अपना शटर दुकान पेंट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये 16,000 क्या, 16,000 क्या और 55,000 क्या, समझ में आ गया? एक अंक 1 करोड़ को बताता है, कितने को बताता है? 55,000 करोड़। कितना का वैल्यू? 30 को कंपनियन, कितने कंपनी का? 30 कंपनी का। कितना? 55,000 करोड़। इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है, समझ में गया कि नहीं? वैल्यूएशन है ये। आज के डेट में अगर इन 50 कंपनियों को बेचेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा? और 30 को बेच देंगे 55,000 करोड़। खाली 30 को है अभी, उसमें से बहुत ज्यादा 5,000 कंपनियां छोट नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन हमको रखना था कितना को? टॉप को। किसको? टॉप को। अच्छा ये बताइए, अगर इस 30 को में से कोई परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं करेगा, इस 30 में से कोई मान के चलिए 2 कंपनी जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा, और ये 5,000 में से 2 ऐसा कंपनी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा, बदल देगा कि नहीं? भाई ऐसे इधर इधर आओ, तुम्हारा तुमको दिखाएंगे हम यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। जैसे देखिएगा, कोई फल बेचने वाला होगा, उसके पास सपोज आम का सीजन है, अभी लीची का सीजन है, तो उसके पास कई बोरा आम होगा, वो पिछवा रखेगा, लेकिन उसमें से जो सबसे फ्रेश होगा वो अगवा रखेगा, ताकि ओकरा देख के ग्राहक आए कि सब बोरवा में ऐसे ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये है बोरा और ये है सामने का, तो हमेशा सामने में कैसा रखा जाता है? बढ़िया, पता चला सामने में 2 कीड़ा गया, डाल देगा बोरा में, अब बोरा वाला में से निकाल देगा यहाँ पे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनियों को दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल 30 कंपनी है, कितनी कंपनी है, लेकिन जो टॉप 30 है उन्हीं को दिखाता है, और टॉप से ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहती है। ऐसे ही समझिए ना, जो लड़का किसी एग्जाम को टॉप करता है और जो सेकेंड आता है या जो फेल हो जाता है, इन सब में 25 से 30 नंबर का अंतर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर में। महज सारा खेल है 25 से 30 नंबर का, 5 नंबर पे कट ऑफ से पीछे, 5 नंबर के वजह से कट ऑफ से आगे, सारा खेल कितने का चल रहा है? 25 से 30 नंबर का, इसी में तो सारा खेल हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि ये 30 कंपनियां बहुत आगे हैं और ये बहुत ज्यादा पीछे हैं, थोड़ा सा का ही क्या है अंतर है। सोच सकते हैं भारत में 30 कंपनियों का वैल्यू कितना है? 55,000 करोड़। कितने का है? 55,000 करोड़ का, इतना ज्यादा वैल्यू है सर इसका, 16,000। तो क्या ये पूरे का वैल्यू है? ये बस 30 गो का है। कितने का है? 30 गो का है। समझ में गया कि नहीं आ गया? आइए कितने का है? जिस दिन ये पूरा इसको शामिल करेंगे और इसको शामिल करेंगे, कहाँ जाएगा आपको आइडिया लग रहा है? बहुत आगे चला जाएगा सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स कितने कंपनियों को? सेंसेक्स और BSE 5,000, निफ्टी 50, NSE 1500, NSE इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं करेगा तो क्या कर देगा? एक समय था जब PNB बैंक को पीछे किया गया था, नहीं घोटाला उठाला फिर आगे आ गया यहाँ पर, तो ये क्या होते रहते हैं, आगे पीछे होते, इसलिए 300 कंपनियों का नाम जान के आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ये बताइए जोमेटो क्या 300 में आ रहा है? पिछवा है, 50 में खड़ा है, इसमें 1500 में नहीं है, इसमें चल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, रिलायंस आएगा, टाटा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, अडानी आएंगे सब भयानक, ACC सीमेंट, बर्जर पेंट, दुका दुका बोल रहा है, आएगा ही दुनिया भर की कंपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? BSE में कितनी कंपनी?
बीएससी में 5,000 और सेंसेक्स में 30, एनएससी में 1,500 और निफ्टी में बताए तीसरे को क्यों लेता है? उसी 30 के हिसाब से आइडिया लगा लीजिए, लेकिन क्या ये तीसरे कंपनी है? कितना है जो भी लिस्टेड होता है, कितने जगह होता है? दो, या तो हो जाएगा या जाएगा एनएससी में, या तो जाएगा एनएससी या जाएगा बीएससी को। अगर दिखा, अगर हमको पता करना है कि बीएससी की 5,000 कंपनियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, तो क्या देखेंगे? सेंसेक्स। आज सेंसेक्स कितना है? 55,000 है, 55,107, 500 अंक बढ़ा है। कल जो था वो 54,000 कुछ था, कल जो था वो 54,800 के आसपास था, आज कितना है? 55,100 बढ़ गया है। और निफ्टी साइड गिर गया है ना, निफ्टी भी बढ़ा हुआ है, निफ्टी 150 अंक नीचे गिर गया है कल के तुलना में। तो प्रतिदिन क्या किया जाता है? तुलना निकाला जाता है प्रतिदिन के आगे पीछे। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ, सेंसेक्स ऊपर बढ़ने का मतलब होता है कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी जैसे ग्रो करेगी मतलब उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। अब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। अब कंपनी नीचे दिख रही है तो उसका कंपनी का प्रोडक्शन कम, उसका सामान कम बिक रहा है। और सामान कम बिकेगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा, शेयर की वैल्यू रहेगी लेकिन डिविडेंड नहीं मिल, लगातार डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई शेयर को पूछेगा? जब डिमांड कम होगा तो वैल्यू गिर जाएगी। तो लगातार अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो लोगों कंपनी से वैल्यू खत्म होने लगे और धीरे धीरे उसकी शेयर क्या हो जाएगा? डिमांड घटेगा तो वैल्यू अपने से गिर जाता है। कोई दिक्कत? अगर आज हमको शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो ये बताओ, इतना तो दिमाग से उतर जाओ कि 30 गो में पैसा लगा पाएंगे आप लोग? 300 का शेयर बहुत महंगा आता है, 1 गो शेयर रहेगा 300 का 20,000 का। एशियन पेमेंट का प्रिंट का सस्ता है, 9,000 है, नेट पे चेक कर लेना, बढ़ते रहता है। 9,500 तो 9,500 में कै गो शेयर मिलेगा? 1 गो शेयर की वैल्यू कितना है? 9,500, और कई लाख शेयर है उसका। 9,500 रुपया लगाइएगा ना तो कितना परसेंट में जाएगा कोई पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले शेयर लगाने के लिए अगर किसी के आप में से 9,500 रुपये किसी के पास है तो जाएंगे एशियन पेंट के पास, लो 9,500। कहाँ जाएंगे? सेबी के पास, सेंसेक्स, लो बाप रे, सीधे सेंसेक्स में जा रहा है। सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट खोलवाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। पहले 9,000 रुपया सेविंग में, और सेविंग के बाद खोलवाना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। इस 9,500 पहले जाएगा सेविंग में, आपका पहला पैसा किस में जाएगा? सेविंग। और दूसरा का डीमेट। शेयर की खरीद बिक्री किस अकाउंट से? प्रॉफिट आता है डीमेट से, डिविडेंड आता है डीमेट से, शेयर खरीदा जाता है डीमेट से। हम अपना शेयर बेच दिए तो पैसा आएगा डीमेट से, और डीमेट से डायरेक्ट पैसा नहीं निकल सकता है, उसको भेजना पड़ेगा सेविंग में। अब सेविंग से लगाइए, एटीएम लगाइए, चेकबुक लगाइए, जो लगाना लगाइए। डीमेट केवल ऑनलाइन टू ऑनलाइन यूज हो सकता है। हमारे सेविंग अकाउंट में 1,00,000 रुपया है और डीमेट में 1 को नहीं है। शेयर खरीद लेंगे, हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे इस अकाउंट से उस अकाउंट में करते हैं ना, वैसे किस में करना पड़ेगा? डीमेट में। शेयर की खरीद बिक्री किस अकाउंट से? किस अकाउंट से? डीमेट से पैसा निकाल लेंगे, उससे लिंक जो सेविंग रहेगा पहले हमको किस में भेजना पड़ेगा सर, और तब पैसा निकाल सकें। आप देखिए कितना होशियारी किया है, पता चला किसी के डीमेट अकाउंट में 5,00,000 रुपया कोनो मार दिया, जाइबे नहीं करेगा, निकलबे नहीं करेगा आपका, पहले किस में जाएगा? सेविंग। जिसका सेविंग है उसमें आ गया। अब हमारा डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट का एक्सेस दलालों के पास होता है, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे दलाल यहाँ रखना ना लीगल है, यहाँ दलाल गड़बड़ नहीं है। सरकार कहती है कि कंपनियों का जानकारी इसके पास है या नहीं है, तो तुम किसी दलाल को पकड़ लो, दलाल कहेगा हम क्या लेंगे? दलाली लेंगे, प्रॉफिट का 0.1% दलाली ले लेगा आपसे। तो जब दलाली लेगा तो उसको डीमेट अकाउंट का पता होना चाहिए तब ना, तो मार ले जाएगा आपका डीमेट अकाउंट है। इसलिए उसको किसे लिंक किया जाता है? किसे किया जाएगा? सेविंग। तो क्या शेयर बाजार में दलाल रखना लीगल है या इलीगल?
इसलिए शेयर बाजार जो बिल्डिंग है उस जगहिया का नाम है दलाल स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब सड़क। अब पहले वहां क्या घूमता था सब? दलाल। तो नाम क्या हो गया? दलाल स्ट्रीट। समझ में आ गया कि नहीं? क्या नाम हो गया? दलाल स्ट्रीट। कितना परसेंट लेता है? 0.1।